ओके हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक भट्ट और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको $1200 में मॉन्ट्रियल शहर में, जो कि क्यूबेक प्रोविंस में है कनाडा की, आपको किस टाइप का अपार्टमेंट मिलेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द व्यू, ये आप लोग व्यू देख सकते हो। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई बालकनी एंड हियर वी हैव अ वेरी नाइस प्रीटी स्काईलाइन। और महीना है अक्टूबर का, सॉरी सेप्टेम्बर का, और अक्टूबर का महीना आने वाला। तो अगर जितने भी कनाडा वाले लोग हैं उन्हें पता ही होगा कि अक्टूबर के महीने में फॉल होती है। और जितना ये हमें दिख रहा है, अच्छा सा लैंडस्केप, ये सारा का सारा ऑरेंज हो जाता है। तो दिस दैट। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं और जैसा कि आप लोग सभी देख सकते हैं, दिस प्लेस इज़ प्रीटी वेल लिट अप। यू कैन सी द डे लाइट एक्सटेंसिवली एंड लेट मी शो यू हाउ द अपार्टमेंट इज़ लाइक। तो ये जो अपार्टमेंट है, जस्ट टू गिव यू ऑल अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट, ये अपार्टमेंट डाउनटाउन के बीच में, एंड आई एम स्टडिंग एट कॉनकॉर्डिया। तो ये अपार्टमेंट मेरे घर से इट्स लाइक 3 मिनट्स वॉक, और गी कॉनकॉर्डिया जो सबवे स्टेशन है, इट्स ऑल्सो इन प्रीटी मच प्रॉक्सिमिटी टू दैट। तो लेट मी गिव यू ऑल ए टूर नाउ। तो ये हमारी बालकनी है, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई बालकनी। और ये भी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये अच्छी सी स्काई लाइन है और एक काफ़ी अच्छा सा व्यू है डाउन टाउन का। ये एक्चुअली मेरी बिल्डिंग की बैक साइड है और फ्रंट साइड की बालकनीज उधर है, इसलिए हमें फ्रंट साइड दिख नहीं रही, वरना मैं आपको और दिखाता। तो इस टाइप की प्रीफैब कंस्ट्रक्शन है, बड़े बड़े कंक्रीट के स्लैब्स हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर और नीचे। और हम लोग डस्टबिन यहाँ पे बाहर रखते हैं क्योंकि अपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है ऐसी जगहों में, क्योंकि अपार्टमेंट में कॉकरोचेस और हाउस फ्लाइज, थोड़ी जो फ्लाइज लगते हैं खाने पे, वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो जब भी ये होता है, सबसे सेंसिबल चीज़ है कि आप अपना डस्टबिन जो है, आप अपने वेजिटेबल पील्स जो हैं उसको फटाफट किचन से हटाओ और उसको कहीं और प्लेस कर दो, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ होगी आप विटनेस करोगे कि वहाँ छोटे छोटे आपको कॉकरोचेस विटनेस करेंगे, आ जाएंगे वहाँ पर। और ये नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग थोड़ा अनहाइजीनिक तरीके से रह रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है, ये इसलिए क्योंकि वो कॉकरोच जो हैं, वो मक्खियाँ, जो छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ये वेंट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, गारबेज शूट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो अपार्टमेंट्स में ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है, एंड विच वी कॉन्ट रियली विटनेस इन यू नो दोज हाउसेज विच आर एट सबर्ब्स, नाइस वन ग्राउंड फ्लोर हाउसेज, बट अपार्टमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वेल ये रहा डोर, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे एंड दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द अपार्टमेंट। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एसी लगा है, तो ये एसी जो है काफ़ी ठंडा कर देता है यूजुअली, और 19-20 में वी गाइस आर लाइक डन। ठीक है, ये एक हमारा शेल्फ है, ये एक बेड है, अगेन हमारे पास 2 मैट्रेस थे, तो हम लोग अभी एक सोफ़े की तरह ट्रीट करते हैं इस मैट्रेस को। और एक और बहुत कूल चीज़ कनाडा में, अगर आप लोग को शायद नहीं पता, कनाडा में जो सिस्टम होता है कि सपोज़ इफ़ यू आर डन विद एनी ऑफ योर हाउस होल्ड आइटम, कोई बेड है, कोई सोफ़ा है, तो वट यू कैन डू इज़ इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट आउट, यू कैन सिंपली कीप दैट इन फ्रंट ऑफ योर हाउस एंड यू नो इन केस समबडी इज़ इन नीड ऑफ दैट, दे कैन वो सिंपली वहाँ से वो चीज़ उठा लेते हैं। तो ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इस घर में कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऐसे ही लाई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल्स एंड यू नो कुछ भी। और ये एक छोटी सी अलमारी है जिसके अंदर मेक शिफ्ट अलमारी जो होती हैं, कपड़े रखें आप, कुछ भी रखें, व्हाटएवर। And this is our mirror. और again ये light भी हमने खुद ही install करी थी, इसकी पार हम लोग इस socket से ले रहे हैं। और हाँ, Wi-Fi का modem थोड़ी सी shape अलग लगेगी आपको, क्योंकि इंडिया में वी हैव लाइक डिफरेंट kind of routers, यहाँ पर ये चीज़ है। और again switch for this, और ये है हमारा bathroom, यहाँ पे हमारा एक सिंक है, और ये मिरर, दिस आर कैबिनेट्स, दिस आर वॉशरूम, इसमें हमने जेट लगा रखा है, थैंक गॉड। जो इंडियंस हैं उन्हें पता ही है कितना स्ट्रगल होता है कि इफ़ यू डोंट हैव अ जेट और अ बिडे प्रॉब्ली। और ये हमारा शावर है विद 3 काउंटरटॉप्स, हाँ इसमें 3 टैप्स, इसमें 1 फॉर कोल्ड वाटर, द अनदर फॉर हॉट वाटर, बीच में टू स्विच बिटवीन टैप एंड दिस शावर। और अगेन वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा शाफ्ट है यहाँ पे, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि यू नो बाथरूम में या आपके वॉशरूम में, किचन में थोड़ी सी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो आप सिंपली उसको खोलो, ऑन कर दो। और अगेन ये है हमारा किचन जिसमें गैस नहीं है, जिसमें इंडक्शन है। तो इंडक्शन की सबसे
ख़राब चीज़ अगर आपने से किसी ने भी यूज़ किया होगा या इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम कैनेडा ओनली प्रॉब्ली सम अदर प्रोविंस, तो इसमें एक तो रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये हीट बहुत स्लोली होता है, तो अगर आप चाय उबालने के लिए रखोगे तो आपको आप चाय रखो और आप नहाने चले जाओ या आप अपना कोई दूसरा काम कर लो क्योंकि चाय उबलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो दिस दैट अगेन ये रहा हमारा तवा जो हम लोग हिंदुस्तान से लेकर आए थे क्योंकि यहाँ ऑफकोर्स यूटेंसिल्स थोड़े से महंगे हैं, तो जितना आप सामान लेकर आओ उतना बेटर है यार, है ना। और हम लोग दो ही लोग रहते हैं तो हमारे इतने यूटेंसिल्स होते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे बस थोड़े बहुत यूटेंसिल्स हैं जिसमें हम लोग खाना बना लेते हैं। और अगेन कैबिनेट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप इन्हें साफ नहीं रखोगे एंड यू आर लिविंग यू पुटिंग अ पैटर्न अपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको कॉकरोचेज यू नो थोड़ी थोड़ी वो इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अभी तो थैंक गॉड यहाँ पे कोई चीज़ दिख नहीं रही। हाँ, इस टाइप की हाउस प्राइस बता रहा था मैं ये। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि नो मैटर हाउ मच टाइडी और यू नो हाइजीनिक यू कीप यू कीप योर प्लेस यू कीप योर किचन एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन, नो मैटर देन इवन देन यू माइट स्पॉट अ बंच ऑफ दीज फ्लाइज। तो दैट्स दैट। ओके, ये रहा हमारा फ्रिज, फ्रिज में थोड़ा सा सामान आइसक्रीम एंड स्टफ, ब्रेड $2 की ब्रेड, ब्रेड की वीडियो या इनफैक्ट छोड़ो मैं ग्रॉसरीज की वीडियो अलग बनाऊंगा कि हाउ मच ग्रॉसरीज कैन यू बाय विद ए $100 बिल इन कनाडा, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रॉसरीज तो महंगी ही हैं यहाँ पे, ग्रॉसरीज क्या यहाँ पे सब कुछ ही महंगा है, तो उसकी वीडियो मैं एक बार अलग से बनाऊंगा। एंड लेट मी शो यू द फ्रिज। तो ये रहा हमारा फ्रिज, इसमें है दही, कुछ वेजिटेबल, चीज़ का पैकेट, जैम, डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड्स, दूध। अब कनाडा के दूध की ये प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में हमें आदत है दूध बहुत अच्छा थिक और क्रीमी होता है, बट यहाँ पे फैट की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, यू हैव 2% मिल्क 2% फैट एंड देन इट मे प्रॉब्ली गो अप टू 5 or 6 आई डोंट नो। तो दिस दैट अगेन ये हमारी ग्रॉसरीज हैं और ग्रॉसरीज हम लोग कुछ ही टाइम पहले करके लाए थे, कुछ दो दिन पहले ही करके लाए थे वैसे तो, बट उसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ जब हम लोग ग्रॉसरी करने जाएंगे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू गिव यू गाइस अ नाइस टूर and an overview how it is done, how much money do we spend, what all stuff can we buy from you know certain amount of money and yeah okay। तो ये वो जगह है जहाँ हम अपनी विंटर जैकेट्स और नॉर्मल जैकेट्स टांगते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कनाडा में कितनी ठंड होती है और जैसे ही विंटर का महीना स्टार्ट होता है आपको पता है चलना मुश्किल हो जाता है, स्नो इज kinda लाइक 1-1.5 feet, तो हवाएँ भी दे आर रेजिंग एट स्पीड्स ऑफ अप टू 60 km/h, आई डोंट नो, बट चुभने वाली हवा हो जाती है कभी कभी। तो ऑफकोर्स आप बाहर से आएंगे आपके कपड़ों पे स्नो होगी तो आप उन्हें यहाँ टांगे, आपके स्नो वाले शूज़ होंगे तो उन्हें आप यहाँ रख लें, तो ऑफकोर्स वी डू दैट। और ये एक और रूम है, देयर इज द बेड, देयर आर द क्लोथ्स स्टफ। और एक प्रॉब्लम ये है इस रूम में विंडो नहीं है, बट विंडो का एक मेकशिफ्ट सोल्यूशन है दैट वेंट, तो इससे हवा आर पार चली जाती है। इस रूम में वी हैव अनदर ये क्या बोलते हैं इसको यार, दिस हीटर एंड केस ऑफ आईपॉड, नॉट केस बट एक्चुअल आईपॉड। तो इस रूम में जो है दो अलमारियां हैं, दो कबर्ड हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं। एक कबर्ड है ये जिसमें थोड़ा सा ये सामान पड़ा है, यहाँ पे आप अपनी जैकेट्स वगैरह टांग सकते हैं, यहाँ पे अपने शूज़ या कुछ भी अदर स्टफ़ रख सकते हैं, यहाँ पे बैग्स, बेसिक सामान, थोड़े बहुत कपड़े, डियोस परफ्यूम, जैकेट, वॉट नॉट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग अपने घर का सामान बना सकते हैं। और हाँ, वन थिंग आई डिडंट शो यू गाइस इज दिस क्लोज़ेट। इस क्लोज़ेट में रहता है प्रिंटर और कुछ और टेढ़ा मेढ़ा सामान। ये देखिए, दिस इज़ द प्रिंटर, दिस इज़ समथिंग एल्स, और ये रहा सामान। तो ओवरऑल जो है, ओके वेट मैं इसको एक बार बंद करूँगा यार, डन। ओके, ओवरऑल जो मैंने दिखाया ये इस टाइप का एक अपार्टमेंट, इसको स्टूडियो कह सकते हैं, 1 BHK कह सकते हैं। मॉन्ट्रियल में थोड़ा सा अलग है हाउसिंग का सिस्टम, इट्स कॉल्ड 3-1/2, मतलब 3 मतलब 3 कमरे, 1/2 मतलब बाथरूम और किचन को इसमें एक सेपरेट कमरा भी दिया जाता है। इसमें तो चलो छोटा सा किचन है हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए इसको इतना बड़ा नहीं बोला। तो मॉन्ट्रियल का ये थोड़ा हिसाब है, थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीका है चीज़ों का नाम देने का, चीज़ों को बुलाने का, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ सिटी इन क्यूबेक और क्यूबेक के थोड़े से अलग लॉज हैं बिकॉज इट्स प्राइमरली फ्रेंच, तो वो चीज़ है बस यहाँ पे। बाकी
अगली वीडियोस में मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा, एंड इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मॉन्ट्रियल के और एडवेंचर्स देखने के लिए जस्ट कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और मेरा नाम है दीपक भट्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.